या नमस्ते नमस्कारम आदाब। यूरिमोनियास मेसर्स में मैं निकी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। बाय का पहला दिन इतिहाद म्यूजियम बस स्टॉप पे उतर कर होटल की तरफ चले जा रहे हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद हम अपने होटल पहुँच गए थे और चेक इन था 2 बजे का और ये अभी 10 बज रहे थे। चेक इन थोड़ा जल्दी मिल गया था और उसके लिए धन्यवाद होटल स्टाफ से। तो 2 बजे तक वेट नहीं करना पड़ा, पर हमारा पहला प्लान ये था कि होटल में अपना बैग्स रखे, ऐसा एक ऑप्शन है, पर वो तो नहीं कर पाए क्योंकि एनर्जी बहुत कम थी क्योंकि हम इतना चले हैं धूप में। रेस्ट के बाद हम निकल पड़े हैं और ये होटल वाला बस स्टॉप है और वो जो पोल जैसा दिख रहा है वहाँ पे जो भी बस आने वाली है उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। स्टॉप का कैबिन है और इसके अंदर एसी लगी है, अच्छी बात है ना, क्योंकि इतनी गर्मी होती है यहाँ पे तो फिर उनको थोड़ा सा उस गर्मी से थोड़ा सा थोड़ी देर तो छुटकारा मिल जाएगा। और इवन बसेस में भी एसी लगी रहती है तो फिर वो भी एक एडवांटेज है। तो सिर्फ ऐसे जब हम वॉक कर रहे होंगे तो ही थोड़ा सा गर्मी का एहसास होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत होता है। एक तो हमने कुछ खाया नहीं था और हमारा आज का ये मोटो था उस दिन का कि हमें गोप्रो की शॉपिंग करनी थी और हम शरफ डीजे करके एक शॉप को ढूंढ रहे थे। तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट 2 से हम अल रफा बस स्टॉप पे आके उतरे हैं और ये सब हो रहा है गूगल माता की मदद से। ये यहाँ पे जो RTA के जो ऐप्स है वो हमारे फ़ोन में तो काम कर ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों, सेटिंग्स का कुछ इश्यू होगा। तो ये हम अपने अल रफा के स्ट्रीट्स पे चले जा रहे हैं और कुछ ही देर में आप मेरा वहाँ वाला इंट्रो भी देख लो। तो आज हमारा दुबई में फर्स्ट डे है, तो जैसे कि प्लानिंग की थी, आइटनरी तैयार की थी, उसके अकॉर्डिंगली तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि जैसे हम लोग ने मेट्रो और एयरपोर्ट पहुँचे फिर उसके बाद मेट्रो ट्रेन बोर्ड की, तो फर्स्ट टाइम है हमारा, तो इसके वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लेकिन सीख रहे हैं हम। तो आज का दिन तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि मीना बाज़ार जाए, तो इसके लिए हम अभी एक मनखूल सेंटर पॉइंट 2 बस स्टॉप में हैं और यहाँ से देखते हैं कि कैसे आगे जा सकता है। तो यस, तो लेकिन बहुत सारा वॉक हुआ है, बहुत सारा वर्कआउट हुआ है हमारा आज। तो हमने डिसाइड किया था कि हम सिर्फ मेट्रो और बस की सहायता लेंगे ट्रैवल करने के लिए, तो इसकी वजह से थोड़ा सा वॉकिंग ज़्यादा पड़ रहा है हमें। फिर भी लेकिन ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है क्योंकि दुबई के स्ट्रीट से वॉक करना ही मतलब बहुत ही खास लग रहा है। शरफ डीजे के तलाश में हम इतना चले हैं ना कि क्या बताएं, बहुत चले हैं, मिल ही नहीं रहा था भाई, 1-2 किलोमीटर के ऊपर हो गया, अभी तक नहीं मिला हमें। गूगल माता थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है बार बार, और लेकिन कोई नहीं यार, ये जो दिख रहे नज़ारे, ये जो स्ट्रीट्स है दुबई के वो बहुत ही सुंदर है, इतना शांति है ना रोड पर, इतनी गाड़ियाँ जा रही है, इतनी भीड़ रोड पर है, भीड़ इन द सेंस गाड़ियों की भीड़ आप जैसे देख रहे हो बहुत ही सिस्टमैटिक है, आराम से अपना गाड़ी जा रही है यहाँ से वहाँ, कोई हॉकिंग नहीं है जैसे कि इंडिया में होता है, बार बार हम हॉर्न बजाते हैं गाड़ी का, अगर कोई गाड़ी सामने आ जाती है तो हम सब मतलब इतना घाई में रहते हैं, इतना रश में रहते हैं कि एक दूसरे के लिए तो हम इंतज़ार करते ही नहीं हैं। पर यहाँ पर जब भी हम रोड्स भी अगर क्रॉस करते हैं ज़ीब्रा क्रॉसिंग के यहाँ से, तभी वो स्ट्रिक्टली गाड़ी रुका देते हैं, तो शायद यहाँ का रूल है वो। ये तो कोई मॉस्क लगता है, अभी तो पता नहीं कर पाए कौन सा मॉस्क है। तो अभी तक हम शरफ डीजे पहुँचे नहीं है, ढूंढ ही रहे हैं। हम लोग शायद एयरपोर्ट से यही इसी रोड पे आए थे नहीं? गाड़ियाँ भी आके बहुत ही अल्टीमेट है, तो नेक्स्ट अगर कोई अलग दिखे गाड़ी तो वीडियो ज़रूर निकालूंगी। ये भी शायद रेजिडेंशियल एरिया है, अपार्टमेंट्स टाइप, एंड ये रेंज रोवर। भाई अगर गर्म ना होता ना तो ये वॉक का और मज़ा आ जाता, पर गर्मी भी बहुत है, अक्टूबर का एंड ऑलमोस्ट हो गया है
ठंडी शुरू नहीं हुई है, नवंबर से आई थिंक स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे कोई जिम दिखाई दे रहा है पर ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। ऑल काम वहाँ पे कुछ शॉप्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, प्रभुज वेज क्यूजीन एंड ग्रिल्स, कोई ब्यूटी पार्लर, सैलून, फूड स्पा। ओके, ये कोई सुपर मार्केट लग रहा है। तो ढेर सारा चल रहे हैं हम, टैक्सी की तो सहायता नहीं ले रहे हैं हम, सिर्फ बस और मेट्रो पर निर्भर है, तो इसकी वजह से चलना तो बहुत पड़ रहा है जैसे कि मैंने बोला पहले भी। तो बहुत सारे देर चलने के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं शरफ डीजी, जहाँ पे हमारा मेन जो मोटो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो गोप्रो ख़रीदना है वो है, लेकिन वो हो नहीं पाया। और फिर हम निकल पड़ते हैं फिर से रेस्टोरेंट की खोज में। यहाँ से तो हम खाने नहीं वाले, तो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाने का सोच रहे हैं। तो ये चलते चलते हम इस एरिया तक पहुँच गए और गूगल में जनाब ढूंढ ही रहे हैं कौन से बस स्टॉप पे जाना है, क्योंकि ताकि हम एक वहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। तो फ़िलहाल मीना बाज़ार सोच रहे थे उस वक्त, और शायद हमें डायरेक्शन मिल गया था और हम उस बस स्टॉप की तरफ चले जा रहे थे। तो देखिए, एंजॉय करिए दुबई के स्ट्रीट्स हमारी आंखों से, सॉरी कैमरा की आंखों से। धूप में चल चल कर हमें इतनी भूख लगी थी और रेस्टोरेंट को तो हम भूल ही गए थे, और फाइनली हमें एक छोटा सा चाय और स्नैक्स का शॉप मिल गया। वो एक मलयाली ओनर का शॉप है शायद, तो सब मलयालम में बात कर रहे थे वहाँ पे, और हमने बढ़िया सा चाय और कटलेट ले लिया वहाँ से। एक अच्छा सा गाना भी बज रहा है मलयालम बैकग्राउंड में। डेजर्ट तो डेजर्ट की करेक्ट फीलिंग के लिए तो डेजर्ट सफारी करनी पड़ेगी, पर ये छोटी वाली फीलिंग है। बहुत सारे घर मैंशंस वगैरह दिखाई दे रहे हैं इस एरिया में, एंड हमने अच्छी सी एक चाय और दो कटलेट खा लिए, एंड थोड़ा सा भी रिलीफ लग रहा है, फिर भी मेरी भूख तो नहीं गई। कुछ पार्सल वार्सल ले लेते हैं, पर लिया नहीं क्योंकि उनको अच्छे से किसी रेस्टोरेंट से खाना खाना है। ठीक है, मैंने भी सोच लिया। ओके, तो अब हम ढूंढ रहे हैं एक बस स्टॉप या फिर मेट्रो स्टेशन टू मीना बाज़ार। मीना बाज़ार जाने का प्लान तो नहीं था हमारा, लेकिन आज का शेड्यूल का पूरा ऐसा का वैसा हो चुका है ऑलरेडी, तो ढूंढ ही रहे हैं। थोड़ा कनेक्टिविटी में थोड़ा इश्यू लग रहा है, शायद हमें इतना फेमिलियरिटी नहीं है इसकी वजह से हो रहा है ये। जो भी है, हमारा तो अच्छा सा वर्कआउट हो रहा है, अच्छा सा आप देख सकते हो वीडियो में दुबई फ्रेम, और अगर देख सकते हो तो माइन्यूट सा बुर्ज खलीफा भी दिख रहा है। आई होप आपको हमारे वीडियो बोर नहीं करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार किस्सों के साथ। एक ट्विस्ट है यहाँ पे, मीना बाज़ार पहुँचना था, पहुँच गए कहीं और, तो उसका किस्सा मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड कीप शाइनिंग। बाय बाय, डू सपोर्ट।